नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये ऑडियो बुक NSSIT बॉम्बे द्वारा प्रस्तुत चैनल वॉइस फॉर पर्पस पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनकी शारीरिक कमियों के बावजूद भी वह इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध नॉवेलिस्ट में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, आज हम क्रिस्टी ब्राउन के जीवन के बारे में जानेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि हमें इनके जीवन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। क्रिस्टी ब्राउन का जन्म डबलिन में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जून 1932 में हुआ था। उनके माता व पिता का नाम ब्रिगेड व पैट्रिक ब्राउन था। उनके पूरे परिवार में कुल 22 बच्चे रहते थे। उनमें से 9 बच्चों की जान किसी न किसी बीमारी के चलते बचपन में ही चली गई थी। उनके जन्म के समय डॉक्टरों ने पाया कि उनको एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसे सेरिब्रल पैलेसी के नाम से जाना जाता है, जिसने उनके बाएं पैर को पूरी तरह से अंधव्यस्थात्मक कर दिया, जिसके कारण वह अपने बाएं पैर को हिला नहीं पाते थे। डॉक्टर ने तो बहुत प्रयास किया कि क्रिस्टी को हॉस्पिटल में ही छोड़ दें ताकि उनकी अच्छे तरीके से देखभाल हो सके, परंतु क्रिस्टी के माता पिता ने पूरा निश्चय कर लिया था कि उसे घर पर एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही परवरिश करेंगे। जब ब्राउन बड़े हो रहे थे तो एक सोशल वर्कर कैटरायोना डेला हंट को उनकी कहानी के बारे में पता चला। अब वो उनको मिलने आने लगी और उनके लिए पेंटिंग का सामान और बुक्स लाने लगी। आगे के कुछ सालों तक क्रिस्टी लिटरेचर और ड्राइंग में बहुत रुचि दिखाने लगे। ब्राउन ने अपनी शारीरिक अवस्था के बावजूद भी ड्राइंग करना और लिखना खुद से ही सीखा। ब्राउन जल्द ही एक बेहतरीन आर्टिस्ट बन गए। हालांकि ब्राउन के बारे में लोग यह जानते हैं कि उन्होंने अपने बचपन की शिक्षा स्कूल से नहीं की, परंतु वो सेंट ब्रिडांस क्लिनिक स्कूल सैंडी माउंट में जाते रहते थे। अब सेंट ब्रिडांस में उनकी मुलाकात डॉक्टर रॉबर्ट कॉलिस से हुई। रॉबर्ट कॉलिस एक जाने माने लेखक थे और उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी जो कि इंग्लैंड में बहुत प्रसिद्ध भी थी। कॉलिस को ब्राउन के साथ समय बिताने के बाद यह तो पता चल ही गया था कि ब्राउन के अंदर एक नॉवेलिस्ट वाले सारे गुण हैं। बाद में कॉलिस ने ब्राउन को कहानी लेखन करने के लिए बहुत प्रेरित किया, जिसके कारण ब्राउन ने बहुत सारी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बड़े बड़े पब्लिशर्स कॉलिस को बहुत अच्छे से जानते थे। बाद में कॉलिस ने अपनी परिचय से ब्राउन की बायोग्राफी प्रकाशित करने में बहुत ही मदद की। इसी किताब माय लेफ्ट फुट ने ब्राउन को बहुत ही लोकप्रिय बना दिया था। अब माय लेफ्ट फुट पूरे यूरोप में एक साहित्यिक चिन्ह के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि इस किताब में ब्राउन ने अपनी जिंदगी के दुखों को बहुत ही साहित्यिक रूप में प्रस्तुत किया था। अब बहुत से लोग उनके फैन बन गए थे और उन्हें पत्र लिखना शुरू कर दिया था। उन्हीं प्रशंसकों में से एक थी बर्थ मोरे। ब्राउन को बर्थ मोरे अपने पत्रों के लेख के कारण बहुत ही प्रिय लगने लगी थी। जब ब्राउन नॉर्थ अमेरिका में गए तो वो मोरे के घर पे ही रुके। वहां पर वो एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। उसी समय ब्राउन एक नोवेल पर काम कर रहे थे जो कि पूरा होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके कारण ब्राउन बहुत ही दुखी रहने लगे। इस दुख को कम करने के लिए ब्राउन शराब का सहारा लेने लगे। ब्राउन शराब पर इतना निर्भर रहने लगे कि वह अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे।
जिसके कारण ब्राउन का नोवेल पे काम रुक गया। परंतु ब्राउन जब मोरे के पास नॉर्थ अमेरिका में गए तो मोरे ने ब्राउन को बहुत ही स्ट्रिक्टली शराब को बंद करने को बोला जब तक ब्राउन का काम पूरा ना हो जाए। मोरे ने ब्राउन को इस समय बहुत मदद की और उनका हौसला बनाए रखने के लिए हमेशा उनके पास रही, जिसके कारणवश ब्राउन आखिरकार 1967 को अपनी किताब डाउन ऑल द बे प्रकाशित करने में सफल हुए। इस किताब के पहले पेज पर ब्राउन ने लिखा कि यह किताब बर्थ मोरे के लिए है, जिससे मुझे अपने विनम्र स्वभाव से इस किताब को पूरा करने में मदद की। यह देखकर हमें ब्राउन और मोरे के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में भी पता चलता है। एक व्यक्ति अपने शारीरिक कमियों के बावजूद भी इतना गहरा रिश्ता बना सकता है, यह हमें सीखना चाहिए। उस समय तक ब्राउन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई थी। जब वो आयरलैंड वापस आए तो उन्होंने अपनी किताबों की बिक्री से एक स्पेशल घर बनवाया और वहां अपनी बहन के परिवार के साथ रहने लगे। हालांकि ब्राउन और बर्थ ने शादी करके साथ रहने का सोचा था, परंतु परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया और उनकी शादी एक इंग्लिश महिला मैरी कार के साथ 1972 को डबलिन में हुई, जिसे वो एक पार्टी में लंदन में मिले थे। बाद में ब्राउन ने एक किताब अ शैडो ऑन समर लिखी, जो ब्राउन और मोरे के रिश्ते के बारे में है, जिसको ब्राउन अब भी अपनी दोस्त मानते थे। ब्राउन का स्वास्थ्य कैर से शादी करने के बाद से ही खराब होना शुरू हो गया था। बहुत लोगों का यह मानना था कि कार ब्राउन को शारीरिक यातनाएं देती हैं, जिसके कारण से ही उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी। ब्राउन की 39 साल की उम्र में डिनर करते वक्त गले में खाना फंस जाने के कारण से मृत्यु हो गई थी। परंतु लोगों का यह मानना था कि ब्राउन की मौत का कारण कार द्वारा ब्राउन को दी गई शारीरिक यातनाएं ही हैं। ब्राउन की लिखी गई मास्टरपीस डाउन ऑल द डेज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बनी और उसको 14 भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया। द आयरिश टाइम्स ने इस किताब को अब तक की सबसे अच्छी नॉवेल भी बताया था। डाउन ऑल द डेज के बाद ब्राउन ने और भी सीरीज लिखी, जिनके नाम है वाइल्ड ग्रोज लिलीज, अ प्रॉमिसिंग कैरियर और कम सॉफ्टली टू माय वेक है। ब्राउन ने बहुत सी कविताएं भी लिखी हैं, जो कि द कलेक्टेड पोएम्स ऑफ क्रिस्टी ब्राउन में आप जरूर पाएंगे। दोस्तों, क्रिस्टी ब्राउन एक नोवेल जीनियस थे। उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद भी हार नहीं मानी और अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी मोरे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने में सफल हुए। हमें इनके जीवन से यह सीख मिलती है कि अगर हमारा साथ देने वाला कोई व्यक्ति हमारे पास हो तो जीवन में हम हर परिस्थितियों का सामना आसानी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद है ये सुनके आपको मजा आया। और दिलचस्प ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।